अब फेमस ऑफ झांसी सिटी, साहू जी बग्गी वाले, स्पेशल बग्गी, घोड़ा, ढोल, शहनाई, आतिशबाजी के लिए संपर्क करें साहू सजावट स्टोर, महेश साहू, मोबाइल 9453941971, पता ब्रजरानी गार्डन के सामने, बीकेडी रोड, झांसी। कठिन है डगर टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 6 में कांग्रेस की। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 6 में भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और कांग्रेस के संगठनात्मक मजबूती में भारी अंतर है। इसी का कारण है कि दलों के लोग चुनाव के समय बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा के नाम पर टिकट और वोट मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कह रहे हैं। भाजपा ने पहले बाहरी कुसमरिया को जिताया और दो बार से सागर निवासी ही चुनाव जीते हैं। चुनाव जीते ही नहीं, मतों का अंतर यह बताता है कि 2009 में जहां भाजपा को 2.5 लाख मत मिले थे, वहीं कांग्रेस को 1,80,000 के लगभग। लेकिन जब 2014 का चुनाव आया तो भाजपा 4 लाख मत पाने में कामयाब हुई और कांग्रेस 2 लाख पर ही खड़ी रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस की डगर कमजोर हो गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की डगर कमजोर साबित हुई। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियां हैं। नए भारत का सृजन नारा बुलंदियों पर है। जब कांग्रेस की रणनीति पर हमारे संवाददाता ने भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने वाली IAS श्रीमती शशि कर्णावत से खास बातचीत की और युवा नेता अरविंद खटीक से चर्चा की, तो उसमें खुलकर सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ हर हाल में टीकमगढ़ सीट जीतना चाहते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के करीबी वीरेंद्र खटीक, जिनका टिकट अधर में है और स्थानीय प्रत्याशी की ओर भाजपा विचार मंथन में लग गई है। हाँ शशि जी, बताइए आप टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? माननीय कमलनाथ जी सांसद हैं और छिंदवाड़ा विकास का मॉडल चलता है। टीकमगढ़ में भी सांसद हैं, लेकिन टीकमगढ़ में पलायन और बेरोजगारी है। मैं विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ शशि जी, बताएं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार ने मुझे क्लीन चिट दी थी कि मेरे विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन या रिश्वत का कोई आरोप नहीं है और ना ही मध्य प्रदेश शासन को मेरे किसी काम से वित्तीय हानि हुई। फिर भी मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक, राजनीतिक और विधिक नेक्सस काम कर रहा था शिवराज जी के संरक्षण में, उस कारण से मुझे दिक्कत हुई और मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था कि ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी और मेरी जीवन यापन के साधन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और इसीलिए मैं अब खुल करके मध्य प्रदेश सरकार में 15 सालों में जो हुआ है या देश की सरकार जो कर रही है, मैं चुनावी मैदान में खड़ी हो रही हूँ। बताएं, क्या सांसद का काम रेलवे का समय परिवर्तन कराने का होता है या उसका उसके विकास के लिए भी होता है? देखिए, सांसद का काम देश की एकता, अखंडता और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए भी होता है और संप्रभुता की रक्षा करना भी होता है। सांसद का काम वाहवाही लेना बिल्कुल नहीं होता है। सांसद एक, आप देखिए कि राजीव गांधी जी थे, सांसद थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 73वां 74वां संविधान संशोधन करके इतना बृहद वो दिया लोकतंत्र को, ग्रास रूट डेमोक्रेसी तक ला दिया और जहां महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग को पूरे अधिकार दे दिए राजनीतिक लोकतंत्र में। इसके साथ ही साथ जो RTE माने शिक्षा की गारंटी, सूचना के अधिकार की गारंटी और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की गारंटी दी, तो सांसद का काम। जी, आप कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान कर्मठ सिपाही हैं, लोकसभा टीकमगढ़ के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? निश्चित रूप से महबूब भाई, मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, हमेशा कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास करता रहा हूं और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वो पार्टी है जो सोचती है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसको समाज की मुख्य धारा से हम कैसे जोड़ें। इन्हीं नीतियों पर आज कांग्रेस पार्टी चल रही है। आपने सवाल किया है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, तो मैं बता दूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है।
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और हम पूरी मेहनत और ताकत से इस बार टीकमगढ़ लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे और 1000% हम जीतेंगे। टीकमगढ़ से शाहिन निशा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।